नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी करते वक्त एक डाउट हमेशा रहता है कि पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की। जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते वक्त एमपीपीएससी की तैयारी में स्टूडेंट्स के मन में एक विचार हमेशा आता है कि पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए। मतलब हम प्रीलिम्स को निकालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इस प्रीलिम्स के चक्कर में, प्रीलिम्स के कारण हम मेंस की तैयारी को छोड़ देते हैं। वो तो हमें तब पता लगती है जब हम प्रीलिम्स निकालने के बाद हमारे पास समय नहीं बचता और कई समय तक, बहुत टाइम तक हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमारा मेंस नहीं निकल पाता। तो कौन सी गलतियां होती है, किन गलतियों की वजह से मेंस नहीं निकल पाता, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की। देखिए, ये विचार आना स्वाभाविक है कि पहले प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस हम वैसे ही निकाल देंगे, लेकिन जितना स्वाभाविक ये विचार आना है उतना ही टफ कार्य मेंस को निकालना है। प्रीलिम्स आप निकाल भी देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक कि आप मेंस नहीं निकालते या इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते और इंटरव्यू निकालने के बाद अंतिम रूप से सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको इतना ज्यादा ना माने कि प्रीलिम्स निकालते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात यह आती है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। देखिए, जो अभी जून में एग्जाम देने वाले हैं, अगर मैं कहूंगा कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास तो अब इतना समय बचा नहीं है कि वह मेंस की तैयारी कर सके। उनके लिए तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि उनको प्रीलिम्स पर ही ध्यान देना चाहिए। उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास मेंस के लिए लगभग 4 से 5 महीने शेष हैं, जिसमें काफी अच्छे तरीके से इतने समय में मेंस की तैयारी की जा सकती है। लेकिन जो ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं या जिनके पास समय ज्यादा है, उनके दृष्टिकोण से अगर हम बात करें और उन्हें अगर कम समय में सिलेक्शन लेना है तो प्री पढ़े या मेंस पढ़े, उनके दृष्टिकोण से बात करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी का जो पूरा मर्म है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, वह है मेंस। 1400 नंबर का आपको यहां पर मेंस लिखना होता है और यही डिसाइड करता है कि आपकी क्या रैंक आएगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर पीएससी में कुछ चीज मेन है तो वह मेंस ही है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन यहां पर निश्चित होता है या डिसाइड होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में ना आए, आपको सीधे तैयारी करना है मेंस की। अगर आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रीलिम्स आपका आसानी से निकल जाएगा। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, आप पढ़ रहे हैं एमपीजी के, एमपीजी के को आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मेंस के दृष्टिकोण से। आपने पढ़ा मालवा के पठार को, मालवा के पठार का आप अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं मेंस के दृष्टि से कि अगर मेंस में ये क्वेश्चन बनता है तो मुझे इसे सोल्व करना है। आपने पढ़ा कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, जिसकी अगर हम बात करें तो लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के सभी पठारों में। वहीं यहां पर चंबल, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां प्रवाहित होती है। और अगर हम बात करें यहाँ की चोटियों के बारे में तो सिगार, जानापाव, धजारी, ये सभी यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्षा का औसत, तो लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है और 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है, औसत तापमान होता है। अब मैं ये बात क्यों आपको बतला रहा हूँ, देखिए, आपने मेंस के हिसाब से मालवा के पठार को पढ़ा है, अब खुद आप बताइए कि प्रीलिम्स में अगर प्रश्न ये बन गया, आपने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की, उसके बावजूद प्रश्न ये बना कि
कि इनमें से कौन सी नदियां या कौन सी नदी मालवा के पठार में प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन ए दे दिया यहां पर चंबल, ऑप्शन बी दे दिया काली सिंध, ऑप्शन सी दे दिया बिहड़ और ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है कि इसमें जो सही आंसर होगा वह सही आंसर होगा बिहड़। क्यों? क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि चंबल नदी मालवा के पठार में बहती है, प्रवाहित होती है। काली सिंध की बात करें यह भी प्रवाहित होती है। यह आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर आंसर दिया हुआ है बिहड़ नदी रीवा पन्ना के पठार में प्रवाहित होती है। तो इसलिए हमने जब डिटेल में इसे समझ लिया, मैप से इसको समझा, इसकी सभी बातों को जान लिया, तो हमने आंसर केवल मेंस पढ़ने पर ही दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप मेंस की तैयारी शुरू में कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो प्रीलिम्स आपका निकलना स्वाभाविक है। यह तय मानिए कि लगभग 70-80% आपका प्रीलिम्स मेंस के साथ ही तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ये तो हो गया एमपीजी के। हिस्ट्री में आपने पढ़ा कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं पानीपत की के तृतीय युद्ध के बारे में, ठीक है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है या पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761। आपने पढ़ा इसमें मेंस के दृष्टिकोण से कि यह मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है। फिर आपने पढ़ा कि अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हो जाता है, और अगर अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो इसका नाम अहमद खां था जिसने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया। इस युद्ध में विजयी अहमद शाह अब्दाली होता है जिसका नाम अहमद खां था जिसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, और इस युद्ध में मराठाओं या मराठों की हार होती है। इस हार को बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, वे इस हार को नहीं सह पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए कि आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से क्या इतने डिटेल में इन चीजों को पढ़ते? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं पढ़ते। लेकिन अब अगर प्रश्न बन गया, हो सकता है कि आप इसे डिटेल में नहीं पढ़ते तो आप यहां पर 14 जनवरी की जगह बार बार बोलते कि 14 जनवरी था कि 15 जनवरी था, क्या था यहां पर। लेकिन अब अगर प्रश्न बन गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के मध्य हुआ, तो आपको मेंस में पूरी बातें पता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का नाम क्या था तो आपको पता है अहमद खां था। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया तो आपको पता है 8 बार। इस युद्ध में अगर हम बात करें कि यह कब हुआ, 1761 में 14 जनवरी के दिन हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स में समय भी नहीं लगेगा। दूसरा फायदा यह कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएंगे। और तीसरा फायदा यह कि उस समय आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जिन क्वेश्चनों की संभावना अगर केवल प्री पढ़ते आप तो उन क्वेश्चनों के बनने की संभावना बहुत कम होती। तो मेंस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर इससे संबंधित कुछ डाउट है तो कमेंट कर बताइए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।